नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण में कल हमने संधि पढ़ी थी, जिसमें संधि के भेद जान लिए थे। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया था। आज हम गुण संधि को पढ़ेंगे, ठीक है ना मित्रों? तो देखिए, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि की सबसे पहले परिभाषा डाल देते हैं। गुण संधि होती क्या है? अवर्ण अ आ के बाद ई के रहने पर दोनों स्वरों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, ठीक है ना मित्रों? कैसे होता है ये अपन देखते हैं। जैसे आ धन ई बराबर क्या हो गया? ए। अ धन ई बराबर क्या हो गया? ए। आ धन बड़ी ई बराबर में क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है ना? आ धन ई बराबर में क्या हो जाएगा? अपने ए हो जाएगा, ठीक है ना मित्रों? और आ प्लस ई बराबर में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, सूर धन इंद्र, तो अ और ई मिलकर के क्या बन गया? ए बन गया। गण धन ईसह, तो इसमें क्या है? आ और बड़ी ई बनकर के क्या बन गया? गणेश, ठीक है ना मित्रों? महाधन ईसह, तो आ और ई बनकर के क्या बन गया? महेश बन गया। उसके बाद में रमाधन ईसह, तो आ और बड़ी ई बनकर के रमेश बन गया। ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे लोकेश, देखो दोस्तों, लोकेश, लोक धन ईसह, ईसह, तो इसका क्या बन गया? लोकेश, लोकेश, ठीक है ना मित्रों? एक और देख लो, राटा धन ईसह, तो इसका क्या बन गया? राकेश। ऐसे और भी बन जाएंगे कहीं, है ना? उपेंद्र भी बन जाएगा, और भी कई बनेंगे। अब अपन कौन सा देखेंगे? उबाल। अब अपन कौन सा देखते हैं? उबाल। ऐसे आवाज समझ में आएंगे। अब अपन आ और उम्मीद करके भी क्या बनाएंगे ये देखते हैं। ठीक है ना मित्रों? देखें, आ धन उ बराबर ओ, आ प्लस ऊ मिल करके क्या बना रहे हैं आप? ओ बन, ठीक है। अब देखिए, आ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बनाएंगे? ओ, ठीक है ना मित्रों? उसके बाद देख लो, आ धन छोटा ऊ बराबर भी क्या बनाएंगे? ओ बना। फिर देखिए, आ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बनाएंगे? इसमें ओ बनाएंगे, यानी कि आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बना रहे? ओ बना रहे। आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बना रहे? ओ बना रहे हैं। और आ और बड़ा ऊ मिलकर के भी ओ बना रहे हैं, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के भी
ठीक है ना मित्रों। अब अपन इससे उदाहरणों को देखते हैं। देखो दोस्तों सर्वधन उदय, तो इसका क्या बन गया सर्वोदय। नर धन उत्तम, तो इसका क्या बन गया नरोत्तम। यानी कि अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ बराबर ओ बन गया। अ प्लस ऊ बराबर बीटा बन रहा है इसमें ओ बन रहा। महाधन उत्सव, तो आ और मिलकर के क्या बना रहे महोत्सव, ठीक है ना मित्रों। अब उसके बाद गंगा धन उर्मी, तो इसका क्या बन गया गंगोर्मी। यानी कि आ और बड़ा ओ, बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर के क्या बना गया गंगोर्मी। जल धन उर्मी, तो आ और बड़ा ओ मिलकर के क्या बन गया जलोर्मी, जलोर्मी, ठीक है ना मित्रों। अब उसके बाद में अपन और भी जो उदाहरण है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे अब इसके बाद में क्या आएगा र, र में क्या होगा आ प्लस री मिलकर के क्या बना देगा अर बना देगा, और आ प्लस री मिलकर के क्या बना देगा अर बना देगा। जैसे शब्द धन ऋषि, तो इसका क्या बनेगा सप्त ऋषि, ठीक है। उसके बाद में बसंत धन ऋतु, तो बसंत ऋतु, देखो आ और री मिलकर के क्या बना रहा है सब अर बना रहा, ठीक है ना। उसके बाद में आ और री मिलकर के क्या बना रहा है अर बना रहा है। जैसे और उदाहरण देख लो इसके, इसके और भी उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे राजा, राजा धन ऋषि, इसका क्या बन गया राज ऋषि, राज ऋषि, ठीक है ना मित्रों। अब जैसे महर्षि है ना, इसमें क्या है आओ री, तो इसका क्या बन गया राज ऋषि। अब इसके बाद देखते हैं महर्षि, तो महाधन, महाधन ऋषि, ऋषि, ठीक है ना मित्रों। तो इसका क्या बन गया महर्षि, महर्षि, ठीक है ना मित्रों। अब इसके बाद में अपन र वाले उदाहरण देखते हैं कि अ और र मिलकर के क्या बनाएंगे, वो भी अपन अब देख लेते हैं, ठीक है ना मित्रों। देखिए अ और र मिलकर के अल, और मंदिर के क्या बना देंगे अल, आ धन र मिलकर के क्या बना देंगे अल, ठीक है ना मित्रों। जैसे तब धन रे का रहा, रे का रहा, तो इसका क्या बन गया तब लकार, तब लकार, ठीक है ना मित्रों। उसके बाद में देखें मम धन रे का रहा, रे का रहा, इसका क्या बन गया मम लकार रहा, मम लकार रहा। अल बता रहा है इसमें इसमें क्या हो गया आ और ल, तो आ और ल मंत्र क्या बना रहा है अल, ठीक है ना मित्रों। यानी कि आ और ल मंत्र के अल बना रहा है, तब धन लेकर, तो तब लेकर है ना, मम धन लेकर, तो
ठीक है ना मित्रों, ये हमारी गुण संधि जो है वो संपूर्ण होती है। इसके बाद में हम अब बात करेंगे वृद्धि संधि। देखिए दोस्तों, वृद्धि संधि में क्या है, अ बन अ आ के बाद ए ओ आई औ के रहने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है ना मित्रों, यानी कि अ आ के बाद में ए आए, वो आए, ऐ आए, औ आए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है ना, आ प्लस ए बराबर आई, ठीक है, और आ प्लस ए बराबर आई, देखो ठीक है, आ प्लस ए बराबर आई है ना, और आ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है ना मित्रों, यानी कि अ के बाद में क्या है, ए आए तो भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आ के बाद में आई आए तो भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आ के बाद में आई आए तो भी आई हो जाएगा, और आ के बाद में ये आए तो भी आई हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, अब इसको उदाहरण अपन देख लेते हैं कि कैसे होगा, वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, मम धन एव तो ममेव ममेव, ठीक है ना दोस्तों, है ना, तथा धन एव तो तथेव, है ना, सदा धन एव तो क्या हो गया, सदैव, सवा धन एकता तो क्या हो गया, सदेकता, सदेकता, ठीक है ना। तो आ और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, आई बना, ठीक है, यहां आ और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, आई बना, ठीक है ना, और सदा धन एव आ और ये मिलकर के भी क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, ठीक है ना, और सभा आ और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, वो वाले, ठीक है ना, ओ वाले उदाहरण हम देखेंगे। जैसे ओ में क्या होगा दोस्तों, के और ओ में करके क्या बनाएंगे, अ धन ओ बराबर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, और आ प्लस वो भी मिलकर के क्या बना देंगे, औ बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। वहां पर क्या हो रहा था कि अ छोटा अ और वो मिलकर के क्या बनेंगे, औ बनाएंगे, और आ और वो मिलकर के क्या, औ बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, पापः धन ओघः तो क्या बन गया, पापोघः, जल धन ओघः तो जलोघः, अ और ओ मिलकर के औ बना, ठीक है ना मित्रों। मधुर धन ओदनम तो अ और ओ मिलकर के मधुरोदनम, है ना, ठीक है। गंगा धन ओघः तो गंगा धन गोदः, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, अब इसके बाद में अपन करेंगे अ प्लस औ की, ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों,
आ और औ मिलकर के क्या बना देंगे, औ बना देंगे, और आ और औ मिलकर के क्या बना देंगे दोस्तों, औ बना देंगे, ठीक है ना। तो ईश्वर धन ओ दार्यम, ईश्वर ओ दार्यम, आ और औ मिलकर के क्या बना रहे, औ बना रहे, ठीक है। जैसे धन्यवाद।